एपिसोड को जिन्होंने डिजाइन किया ये हमारे ऑन कार स्टूडेंट है और इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार ये स्टूडेंट ये जो डिबेट में जो लाइन आई कि एक मिनट आपको पक्ष में बोलना है एक आपको विपक्ष में बोलना है, इससे पहले आपको टॉपिक डिस्क्लोज नहीं किया गया कि आप कैसे तैयार कर क्या है। इसी कंसेप्ट को आप बड़े बड़े एग्जाम में आप जाएंगे, बड़े बड़े आप बिजनेस टाइकून बनना चाहेंगे, बड़े बड़े से एग्जाम लाइक सिविल सर्विसेज, इसी सिचुएशन को कहते हैं कंडीशनिंग ऑफ माइंड। आप गूगल करिएगा कि व्हाट इज द कंडीशनिंग ऑफ माइंड, और जिस बच्चे के पास या जिस इंसान के पास अगर कंडीशनिंग ऑफ माइंड आ गई वो लाइफ में हमेशा विनर रहेगा, हमेशा विनर रहेगा। ये साइकोलॉजी का बहुत बड़ा कंसेप्ट यहाँ पे काम में लिया है, ये मेरा परसेप्शन है। इसी टॉपिक को मैं मेरा मूल सब्जेक्ट बॉटनी है, बॉटनी में इसको हार्डनिंग कहते हैं, बॉटनी में इसको हार्डनिंग कहते हैं। और जिस प्लांट स्पीशीज के पास हार्डनिंग नहीं है वो हार्डनिंग को अगर टॉलरेट नहीं कर सकता तो वो सीड जर्मिनेट नहीं होते, जर्मिनेट होते हैं तो सर्वाइव नहीं करते, अगर सर्वाइव नहीं कर जाते तो बड़े वृक्ष नहीं बनते। और इसी चीज को यहां हो सकता है कि स्टूडेंट ऐसे हैं जो बॉटनी के नहीं है, ऐसे हैं जो साइकोलॉजी के दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी हैं। इसी टॉपिक को इसी सिचुएशन को कहते हैं पर्सनैलिटी ऑफ डिजायर्ड पर्सन, पर्सनैलिटी ऑफ डिजायर्ड पर्सन, यानी कि आपका जो इच्छित व्यक्तित्व जो आप चाहते हैं आप अपने आप से एक किस रूप में आप देखना चाहते हैं, आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, अच्छे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, लिटरेचर पर्सन, आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसी को बोलते हैं डिजायर्ड पर्सन, यानी कि वो व्यक्तित्व जिसको आप चाहते हैं। और आप लोगों ने बखूबी इस चीज में पार्टिसिपेट किया, मैं दिल से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अगले राउंड में एंटर करते हैं या बाहर करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब बारिश होती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बारिश का एंजॉय इस बॉल में बैठ के लेते हैं या लॉन में भीग के लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के अपने अपने आनंद हैं। अब अगले राउंड के लिए यानी कि जिनको लॉन में जाके बारिश में भीगना है, एक बच्चे का माइंड देखिए आपको कितना होना है, आप कैसे क्या बन सकते हैं स्टूडेंट रियली। और आप यहां देखेंगे कि जो एक हमारे स्टूडेंट के सामने एक बाधा सी बनी रहती है कि हिंदी बोले इंग्लिश बोले, क्या खूब आपने हिंदी में बोला, क्या खूब आपने इंग्लिश में बोला, और आप लोग एक एग्जाम के नाम से आप लोगों के एक थोड़ी सी कपकपी उठती है एग्जाम, अरे कितना अच्छे से आपने बोला। डियर स्टूडेंट मैं एक स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस सब्जेक्ट को बनाए रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बरसात का आनंद आप होल के अंदर बैठ के ले रहे हैं या फिर आप सामने मैदान में, आनंद अपना आनंद। धन्यवाद।